नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एसपी ट्रैफिक बसंत लाल ने इंडियन प्राइम न्यूज के संवाददाता से बातचीत में बताया कि विजयनगर को आदर्श चौराहा अभी हाल ही में बनाया गया, लेकिन साथ ही साथ 10 बड़े बड़े चौराहे हैं जिनको आदर्श चौराहा बनाया गया है, लेकिन विजयनगर नरोना भाटिया रामा देवी जहां पर जाम कम लगता है और आईजी मोहित अग्रवाल अभी हाल ही में विजयनगर चौराहे पर विजिट किए थे और यातायात व्यवस्था का जायजा भी लिए थे। और विजयनगर की खराब लाइटों पर भी एसपी ट्रैफिक बसंत लाल ने बोला कि लाइटें जल्द सही होंगी जो भी खराब हैं और ये नगर निगम व केडीए की मदद से लाइट और सिग्नल को सही किया जाएगा। वहीं संवाददाता से ये भी बताया गया कि जनपद में 50 कैमरे वाले चौराहे हैं, जब भी सिग्नल की रिपोर्ट आ जाए कि किस चौराहे पर क्या दिक्कत है उसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाएगा। वहीं कुछ अराजक तत्व जो कि चौराहों पर सिग्नल को तोड़कर भागते हैं, इस पर भी ट्रैफिक बसंत लाल ने कहा कि अगर सीसीटीवी कैमरे में सिग्नल तोड़ते हुए कैद हुए तो उनको अराजक तत्वों पर मुकदमा दर्ज होगा। और जाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा से ज्यादा रोड जाम होते हैं वहां पर कॉमर्शियल ट्रकों की वजह से ही जाम लगता है, हम कोशिश करेंगे कि आवश्यक जाम ना लगे। ट्रैफिक के साथ साथ सिविल पुलिस भी जाम से निजात दिलाने के लिए चौराहे पर मदद करेगी। नो एंट्री तोड़ने वालों वाहनों पर भी कार्रवाई होगी और जिनके पास जारी हुए हैं उसके तहत यातायात नियम का पालन होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी व सहयोगी को भी इंडियन प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि सभी पुलिसकर्मी मास्क लगाए व कोविड का भी ध्यान रखें, चालान भी करें, ड्यूटी भी करें और गर्मी में पानी की चौराहों पर पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन कोविड एक बार फिर से शहर में दस्तक दे चुका है, इसके लिए ड्यूटी के साथ साथ कोविड 19 खतरनाक बीमारी से भी बचाए खुद को और जनता को भी मास्क पहनने की अपील करें। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईपीएन न्यूज में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के एसपी ट्रैफिक कार्यालय के बाहर, जी हाँ, हम दिखाएंगे आपको कैमरा में उसके अंदर को दिखाएंगे कि एसपी ट्रैफिक का कार्यालय है। एसपी ट्रैफिक बसंत लाल जी ने कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर कई चीजों के बारे में बताया और कोविड 19 को देखते हुए भी उन्होंने इंडियन टाइम न्यूज से कई बातें कही। सर, अभी हाल ही में विजयनगर को जो आदर्श चौराहा बनाया गया था, माननीय आईजी साहब भी आए थे, तो सर इसके अलावा भी और किसी चौराहे को आदर्श चौराहा बनाया गया है? देखिए, हमारे यहाँ 10 बड़े बड़े चौराहे हैं, जैसे विजयनगर है, बड़ा चौराहा है, नरोना चौराहा है और विजय भाटिया चौराहा है, रमा देवी है, नवस्था है, ये चौराहे हैं मेन। जहाँ तक आदर्श चौराहे की बात है, वो चौराहा विजयनगर पहले से रहा है। विजयनगर की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि वहाँ नेचुरली ट्रैफिक का जाम कम लगता है और खुला खुला है, तो उसको हम लोगों ने एक आइडियल चौराहे के रूप में डेवलप करने के लिए सोचा है। आईजी साहब की जो विजिट थी, वो विजिट एक हमारे जनपदीय यातायात प्रबंधन समिति बनी हुई है जिसके अध्यक्ष हैं आईजी रेंज महोदय, उपाध्यक्ष एसएसपी साहब हैं और उसका आयोजन सचिव मैं हूँ। तो हम लोग हर बृहस्पतिवार को एक चौराहे पर विजिट करके वहाँ की यातायात की समस्याओं को समझते हैं और वहीं के लोगों से उसके हल के विषय में निराकरण हम लोग लेते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो विजयनगर की विजिट उसी क्रम में थी, उसके पहले भी करीब 7 चौराहों की विजिट पूरी टीम, यातायात प्रबंधन समिति की पूरी टीम ने किया है, उसी क्रम में वहाँ। सर, वहाँ पे लाइटों की भी कुछ दिक्कत मिली थी, सिग्नल लाइटें या कुछ खराब मिली थी मौके पर, उन्होंने आदेश भी दिया था कि इसको सही की जाए, तो उस पर क्या सर कुछ एक्शन या कार्रवाई कुछ भी है? नहीं, बिल्कुल होगा कार्रवाई, क्योंकि हमारे आईटीएमएस से जुड़ा हुआ 10 चौराहे हैं तो उनमें अभी कोई टेक्निकल दिक्कत के चलते नगर निगम और केडीए का कोई डिस्प्यूट है, उसके चलते अभी फिलहाल बंद चल रहा है, लेकिन निकट भविष्य में जल्दी वो खुल जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की एक कमेटी हम लोगों ने बना लिया है, नगर निगम का एक टीम है, एक हमारी टीम है, एक केडीए की टीम है, जो जनपद में जितने हमारे 50 कैमरे वाले चौराहे चल रहे हैं, 50 पब्लिक एड्रेस सिस्टम के हैं, कैमरे के हैं और आपके सिग्नल के हैं, वो सब की फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है मौके पर जाके, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि कौन चौराहे काम कर रहे हैं, कहाँ के पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पर लाइट काम कर रही है, कहाँ का सिग्नल काम कर रहा है, तो एक डिटेल रिपोर्ट हम लोग देंगे। तो विजयनगर ही नहीं, और भी जिस चौराहे पर इस देर तक दिक्कत है उसका भी चिन्हांकन हम लोग कर रहे हैं। सर, जैसे सिग्नल होता है तो कुछ अराजक तत्व लोग होते हैं जो सिग्नल को तोड़ के निकल जाते हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? चूँकि आप एक असीन पद पे हैं तो ये कैसे इसकी पुष्टि होगी कि हाँ ये सिग्नल तोड़ के जा रहा है, इसको कैसे? देखिए, सिग्नल तोड़ते हुए अगर हमारा सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है तो नेचुरली उसकी सीसीटीवी फुटेज आएगी,
उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। और चौराहे पर कहते हैं और भी फोटोग्राफी और भी उसके एविडेंस मिल जाते हैं, तो उस पर नियमानुसार अगर वो रिडेंडेंट पकड़ा जाता है तो जो मुकदमे कायम होते हैं IPC के तहत, MD Act के तहत, वो थाने पर होगा। और बाकी ट्रैफिक पुलिस के तहत जो हम लोग MD Act में चालान करते हैं वो सारी कार्रवाई होगी अगर इस तरह की कोई दृश्यता करता है तो। अदरवाइज समाज में हर तरीके के लोग हैं, कोई बदमाशी कर सकते हैं तो प्रॉपर एक्शन उनके अगेंस्ट होगा। सर, शाम को 5 बजे के बाद दादानगर, नौबस्ता, विजयनगर, रामा देवी और कल्याणपुर में जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जनता को, तो इसके लिए सर क्या व्यवस्था की जाए, कि ऐसा क्या किया जाए कि ये व्यवस्था और भी अच्छी हो जाए, जाम ना लगे शाम को 5 बजे के बाद? देखिए, शाम का जो टाइमिंग है वो पीक आवर होता है, सुबह शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक और सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ये पीक आवर होता है। उसमें जाम लगने के है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड पर होते हैं और हर आदमी एक दूसरे से पहले पहुँचने का प्रयास करता है। उसी समय हमारे जो रूटीन के ट्रैफिक चलते रहते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, नेशनल हाईवे चूँकि रामा देवी और नौबस्ता वो सर्विस लेन भी हाईवे का है, तो जो बड़ी बड़ी कमर्शियल ट्रकें चलती हैं वो भी चलती रहते हैं, तो उसकी वजह से जाम लगता है। उसको रिलीज हम लोग यही है कि टाइम से जो हमारे बंदे टाइम से ड्यूटी पर पहुँच जाएँ, अलर्ट रहें और वहाँ अनावश्यक जाम न लगने दें। ऑटो वालों को, रिक्शा वालों को या जो अवैध रूप से वाहन खड़ा करते हैं वो लगे, और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिविल पुलिस भी जो संबंधित थाने हैं उनके भी फोर्स रहे, तो उसको हम लोग कम किया जा सकता है, प्रयास भी करते हैं, लेकिन होता है कुछ चीज़ का पीक आवर होता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है सर, उसको भी हम लोग सही करेंगे। बिल्कुल सर, नो एंट्री का जो एक विशेष टाइम है, लेकिन इस बीच भी कुछ लोग नो एंट्री को तोड़ते हैं, तो इस नो एंट्री को तोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। कुछ वाहनों को जो एसेंशियल ज़रूरतों के लिए लगे हुए हैं शहर में उनके पास जारी हुए हैं, बट पास में भी स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वो यातायात नियमों का पूरा पालन करेंगे, और उस पास का आधार ये नहीं होगा कि वो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में वाहन लेके भी शहर में जा सकते हैं। यदि वो इस तरह की उल्लंघन करते हैं, नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो उसी पास में ही लिखा है कि इस तरह की जांच के दौरान अगर पाए जाने पर तो उनका पास स्वतः निरस्त माना जाए। सर, कोविड को देखते हुए आप कानपुर की जनता से और कानपुर के जो ट्रैफिक के जो सिपाही हैं या जो भी आसीन पद पे बैठे हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा संदेश है अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए जो मेरे सहयोगी चौराहों पर काम कर रहे हैं कि वो खुद ध्यान रखें, मास्क लगाए रखें और ग्लव्स रखें, जो उनकी ट्रैफिक ड्यूटी के अलावा भी ज़रूरत है, कोविड के अलावा भी ग्लव्स लगाए रखें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, और जो लोग मास्क का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, मैंने अपने सभी TSI जो चालान के इंटाइटल अधिकारी हैं सबको कह रखा है कि वो विदाउट मास्क जो कोविड महामारी का एक्ट है उसके तहत चालान भी करें, सो दैट की मैसेज जाए। साथ ही साथ मैं कानपुर शहर के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोविड का प्रभाव फिर से दोबारा परिलक्षित हो रहा है और लोग इसको हल्के में ना लें, कोविड के जो प्रोटोकॉल पहले से लागू किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा उसका अनुपालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि जो भी इसको हल्के में लेगा वो दिक्कत में रहेगा। अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने पड़ोस को बचाएं, अपने आसपास के मित्रों को बचाएं, तो पूरा कानपुर शहर कम से कम कोविड से प्रभावित होगा और यदि कोई स्थिति आती है तो उसका नियंत्रण भी समय से पाया जा सकता है। सर, होली के उसमें क्या कोई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं क्या कोविड-19 के लिए? अभी तक तो होली के संदर्भ में कुछ इस तरह के नहीं आए हैं, लेकिन ये कि चूँकि होली इस नेचर का त्यौहार होता है तो वैसे भी स्वतः भी बेहतर होगा कि हम उसको कोविड को ध्यान में रखते हुए मनाएं, तो उसके प्रोटोकॉल के तहत तो अपने आप में सेहत के लिए सुरक्षा की बात होगी। सर, हमारे कानपुर नगर में जितने भी TSI और जो भी ट्रैफिक के सिपाही से लेके उच्च पद पे हैं धूप में काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनको कोई संदेश देना चाहते हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मेहनत कर रहे हैं उनके कर्मठता की मैं उनकी सराहना करता हूं और इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं कि ट्रैफिक का बंदा जब चौराहे पर रहता है तो बिल्कुल खड़े खड़े की ड्यूटी होती है, बैठ नहीं पाता है, और उसके लिए जो हम लोग वेलफेयर का काम देख रहे हैं, जो कोविड का भी जैसे प्रभाव चल रहा है उनके लिए हेलमेट है, चश्मा है, ग्लव्स हैं, वो उपलब्ध करा रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था, हम गर्मी आ रही है उसके लिए जगह जगह कर रहे हैं कि कुछ पानी की उनकी व्यवस्था रहे, कोई दिक्कत ना हो। एक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है कि हर चौराहों के आसपास में
ट्रैफिक बूथ हो और उसके साथ अटैच बाथरूम हो, तो जब ये कंस्ट्रक्शन का काम है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये, लेकिन ये भी इसको भी पूरा होगा आने वाले समय में, तो ट्रैफिक के कर्मियों की समस्या ये दूर हो जाएगी, जो उनको जैसे अचानक किसी एसेंशियल ज़रूरत के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उनको सुविधा वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और बाकी चीज़ें जो मेहनत से काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा मैं करता हूँ, और उनके वेलफेयर के लिए मैं हर महीने समीक्षा उनकी सम्मेलन लेता रहता हूँ। कोई दिक्कतें होती हैं तो हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तौर पर उनसे बात कर लेते हैं, यथासंभव कोशिश करता हूँ कि उनका निराकरण करूँ।